वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज सुबह मैं नाश्ता करके फौरन वीडियो एडिटिंग में लगा था। 70% अपना ब्लॉग मैंने एडिट किया है, अभी ने ब्लॉग का आगाज कर दिया है। जब भी मैं अपने ब्लॉग शूट करने निकलता हूँ ना, खुसूसन GoPro Hero 9 से, मैं अपने साथ दो बैटरीज एक्स्ट्रा रखता हूँ। एक वो बैटरी जो GoPro के अंदर है, और उसके अलावा दो बैटरीज मैं अपने साथ लेके जाता हूँ। GoPro Hero 9 का ना एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये बैटरी जल्दी खत्म करता है, तो जब तक मेरे पास एक्स्ट्रा में दो बैटरियां ना हो, मेरा व्लॉग कभी कंप्लीट नहीं होता। यमुना बड़ी एक्साइटेड है आज। यमुना आज क्यों खुश हो इतनी ज्यादा? हैं, कहीं जाने के लिए। अभी मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, उसकी सर्विस करा के ना मैं जल्दी जल्दी आ जाता हूँ। ठीक है, अभी चलते हैं, जल्दी बाइक को स्टार्ट करते हैं और उसको लेके जाते हैं सर्विस के लिए। वाह जी वाह दोस्तों, क्या मजेदार और क्या गर्म धूप निकली है। ये देखो दोस्तों, हमारे सेब के दरख्त के ऊपर के फूल देखो यार, कितने खूबसूरत लगते हैं। यकीन जानिए मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं कमरे से निकल के एक दफ़ा नज़र डालता हूँ ना इन फूलों पे। हमारे घर से पीछे लिंग रोड तक ये छोटी सी एक तंग गली है, जिससे गुजर के हम लिंग रोड तक पहुँचते हैं, और यहाँ सामने मेन रोड, यहाँ पर मैंने अपनी बाइक खड़ी कर दी। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे फजल भाई, ये सुबह से शाम तक ना अपनी जमींदारी में काम काज में लगे रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी लगाई है। नहीं, एक दरख्त नहीं बनता स्ट्रॉबेरी का? नहीं बनता, पौधे हैं, काफी ज्यादा पौधे हैं इस जगह पे। ये फल अभी लगेगा इसके ऊपर? कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। कारी साहब जो कि यहाँ अलियाबाद बाजार में सर्विस स्टेशन चलाते हैं, हमारी गाड़ी हो बाइक हो सर्विस करानी हो तो इन्हीं के पास आते। काफी अरसे से इसकी सर्विस नहीं कराई मैंने, ये धूल नीचे लगी है, इसको बिल्कुल साफ करना है। कारी साहब ने तो हमारी बाइक बिल्कुल चमका दी। थैंक यू सो मच। ऐसा लगा जैसे मैंने नई ली है मार्केट। बहुत अरसे से ना मैंने सर्विस नहीं कराई थी, आज बाकायदे से बाइक की सर्विस कराई यहाँ कारी साहब के पास, तो बड़ी खूबसूरत लग रही है देखें। और वैसे भी हमारी बाइक का लुक ना बहुत ही अच्छा है। सुजुकी 150 बाइक तो है ही खूबसूरत। अगर आप हुंजा वैली आते हो और गाड़ी या बाइक की सर्विस करवानी हो ना, फैसल मुँह और बस स्टैंड के बिल्कुल साथ में इनकी स्टेशन है, सर्विस स्टेशन, तो आप यहाँ आओ अपनी गाड़ी की सर्विस करवाओ। रोटी है? दो रोटी दे दो। आज दोपहर में घर में सब्जी बनी है बड़ी कमाल की। कई दिनों के बाद हमारे घर में ना कमाल की सब्जी बनी है। हमारे घर में आज सब्जी के अलावा और भी बड़ी कमाल की चीज बनी है, खुबानी का जूस। क्या मजा देता है, खुसूसन स्प्रिंग सीजन में। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि खुबानी का जूस कितना मीठा और कितने मजे का है। भी दोपहर के बजे हैं 2:30, आधा घंटा मैं सोया, बड़ी मजे की नींद आई। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ एडिटिंग। आधा व्लॉग मैंने सुबह एडिट किया था, तो अभी आधा व्लॉग रहता है, उसकी एडिटिंग करनी है और शाम तक उसको तैयार करके रेंडर करके कल के दिन के लिए उस व्लॉग को मैंने रेडी करना है। तो इस वक्त रात के 7 बजे हैं। हम सब ने मिलकर फाइनली एक डिसीजन लिया है कि आज हम रात का खाना घर में नहीं खाएंगे, रात का खाना आज हम खाएंगे करीमाबाद में, और साथ साथ रात के खूबसूरत मनाजिर भी करीमाबाद बाजार के एंजॉय करेंगे। और यहाँ पर अजान बिल्कुल रेडी है अपना सूट पहन के। चलो चलो, हुंजा वैली रात के टाइम ना कुछ इस तरह सा दिखता है, मैं आपको जरा दिखाने लगा हूँ। ये लो, ये तो ये देखिएगा, आज मैं जरा आपको दिखाता हूँ कि ये बिल्कुल सामने ये नगर वैली, यहाँ लाइटें देखो, घरों के बाहर की लाइटें कितनी खूबसूरत लगती हैं। और ये हमारी गाड़ी, तो अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी निकलते हैं। अभी हम निकलने लगे हैं करीमाबाद बाजार की तरफ। यमुना हम किधर जा रहे हैं इस वक्त? करीमाबाद।
करीमबाद। हाँ गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अल बरकात होटल। ये टूरिस्ट की काफी गाड़ियां रोड के आसपास मौजूद हैं। चलते चलते हम आए हैं फूड मॉल्स में। अस्सलाम वालेकुम, खाने में क्या है आपके पास? आपको मिलेगा बारबेक्यू, मिलेगा चाइनीज, मिलेगा फास्ट फूड, मिलेगा सूप से, इनके पास सैलड से, बारबेक्यू है, कढ़ाई, इनके पास चाइनीज भी है, करी डिशेज है, ब्रेड, ड्रिंक्स, दावत है हुंजा, हुंजा डाइट। आप चलेगा? कम नहीं होगा? हाँ दो बंदे कितने खाएंगे? चल आप चिकन कढ़ाई बना दे, थोड़ा स्पाइसी चाहिए बस, नॉर्मल लोगों, बच्चे हमारे कम खाते हैं ना। चलो हाथ धो लेते हैं ऊपर वॉशरूम में। ओ पूरी दुनिया है ऊपर, वाह जी वाह, असल जगह तो ऊपर है इनके पास। ये देखो खुले छत पे उन्होंने सिस्टम बनाया है। चलें जी हाथ धो लेते हैं, पहले धो लो हाथ सही से। अभी हम स्पिन करेंगे इस व्हील को और देखते हैं क्या आता है हमें। ये आइए टिश्यू पेपर, ये टूथपिक, वो दे ले ना, बैठो ना। कलर तो बड़ा ज़बरदस्त है, उम्मीद की जा सकती है कि इसका टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार होगा। अंजू ले लो सैलेड ले लो। बहुत अच्छा, मीठी बहुत ज़्यादा है। ये तो गोश्त कितना ज़्यादा मीठा है। यमुना नॉन स्टॉप गोश्त ही खा रही है। शोरबा इसलिए यमुना को पसंद नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी मिर्चें हैं। कढ़ाई में मीठी थी लेकिन ज़्यादा मज़ा आया और मेरी फेवरेट है। आज की कढ़ाई अंजुम के पसंद पे हमने बनवाई थी और बहुत अच्छा लगा। हाफ चिकन हमने ऑर्डर किया था, 7 रोटियाँ खाई, टोटल हमारा बिल बना 1130 रुपए का। जिस तरह की टेस्टी कढ़ाई बनी थी ना इनकी, उस हिसाब से रेट बिल्कुल परफेक्ट है। करीमाबाद बाज़ार में रात के टाइम पैदल घूमने का अपना ही मज़ा है, तो दिल तो करता है कि थोड़ा सा मज़ीद हम इस मार्केट को एक्सप्लोर करें, लेकिन टाइम शॉर्ट है, हमने जाके वीडियो भी एडिट करनी है, तो इसलिए जल्दी निकलते हैं। ये अपना मज़ा आया टूर का? हाँ। और खा घूम और साइकिल देखो। किसकी साइकिल? इसकी। तो रोशनियों का क्या खूबसूरत मंजर है करीमाबाद का रात के टाइम पे। वहाँ पे थे अभी हम, वहाँ से खाना खा के सीधे इधर आए। अभी लाइट नहीं है हमारे मोहल्ले में, जाते वक्त तो थी लाइट, ये सूरत हाल है यहाँ हुंजा वैली में लाइट की, और दिन के वक्त तो बिल्कुल आती ही नहीं है लाइट, इसीलिए हमने अपने घर में UPS रखा है क्योंकि UPS के अलावा तो मुमकिन ही नहीं है। अभी हम वापस आ गए हैं घर, जिसके साथ हम अपने इस व्लॉग को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक भी करो और साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। मिलते हैं बहुत जल्द नए व्लॉग में, तब तक थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।